वेलकम बैक गाइस। आज के क्लास में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन को, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। सबसे पहले हम रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात करें कि इसका हेल्प होगा हमें आगे। नाउ एक ऐसा ब्लॉक बॉडी है, ब्लॉक बॉडी मतलब पत्थर का टुकड़ा पकड़ लिया 3D, ठीक है। उसको मैं ऐसे एक पोजिशन से ऐसे रोटेट कर दूँ, ठीक है, ऐसे ओमेगा से। अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एक मास का एलिमेंट लेता हूँ m1, ये एक रेडियस r1 हुआ, यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा है टुकड़ा, मतलब पत्थर के टुकड़े में मैं वो छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ एक डिस्टेंस पे, ये r2 है। वैसे बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं, राइट, बहुत सारे अलग अलग रेडियस पॉसिबल है। हर रेडियस के अबाउट अगर मैं m1 m2 निकालने जाऊं, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, ये मेरे लिए काफी हेक्टिक हो जाएगा। डोंट यू फील, ये काफी हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि ये चलता रहेगा सारे एलिमेंट के लिए आप करते रहोगे। तो इज इट पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑल दिस मास एट वन पोजिशन एंड फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? यस, इट इज पॉसिबल। उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अभी क्या करेंगे, इसी जगह पे ये सारी रेडियस जो भी थी उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक रेडियस हमारे पास है, जो हम बोलेंगे यहां पे मास हमारा सारा, ये जो है लम्प्ड मास है, और ये हमारा कैपिटल M हो गया, विच इज इक्विवेलेंट टू कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोन या फिर पत्थर जो भी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक बॉडी है उसका मास हमने कॉन्सेंट्रेट करके इस पर्टिकुलर स्मॉल M पे रख दिया, और जिसका डिस्टेंस इसी एक्सिस के अबाउट K है। तो अगर मैं इसका आई निकालता हूं, विच इज आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है, ये एम के स्क्वायर और समेशन ऑफ दिस टोटल मास, ऐसे हम लिख रहे थे ना MI RI स्क्वायर, ये इसका, ये दोनों सेम आएगा। अगर ये दोनों सेम आएगा तो ये जो के क्वांटिटी है इसको कहते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, समझ में आया। सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन टू द पॉइंट एट विच मास ऑफ बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। एक बार वापस देखिए, वो वीडियो पॉज कीजिए और समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे, अगर मेरे पास अलग केस हो, सबसे पहले मैं थ्योरम शुरू करने से पहले उसका एप्लीकेशन बताना चाहूंगा। तो जैसे कि पहले हमने एक यूनिफॉर्म रॉड की बात की थी, अगर यूनिफॉर्म रॉड को हमने ऐसे रोटेट किया तो मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया MR² / 2, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था। अगर इसी रॉड को मैं इसके अबाउट रोटेट करता तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या वापस कैलकुलेट करने जाते हैं? नहीं, हम थ्योरम यूज करते। उसी तरह से अगर समझ लो, इसके बाद मतलब पहले ऐसे, अगर ये रॉड था, रॉड हम ऐसे रोटेट कर रहे थे, अभी यहां पे रख के मैं रॉड को ऐसे रोटेट कर रहा हूं इसके एज पे। उसी तरह से आप सिलेंडर का केस पकड़ लीजिए, सिलेंडर में भी अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूं तो पहले हम इसके अबाउट रोटेट कर रहे थे ना, व्हाट इफ अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूं, व्हाट इफ अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूं, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस सब केस के लिए मुझे वापस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास सिंपल दो थियोरम दिए गए हैं। एक थियोरम है थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, पहला है थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस। नाउ सबसे पहले इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्लेनर बॉडीज। प्लेनर बॉडीज मतलब, सबसे पहले प्लेनर बॉडीज मतलब अगर आपके पास ये डिस्क, इसका थिकनेस बहुत कम है, तो ये आपको, ये आप बोल सकते हो प्लेन बॉडी, लेकिन वैसा ये है, लेकिन ऐसा सिलेंडर टाइप है जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो इसको आप प्लेनर नहीं बोल सकते, ये आपका प्लेनर बॉडी है, ठीक है, लेकिन ये प्लेनर बॉडी नहीं है। तो पहले तो ये इस पे अप्लाई नहीं है, इसी पे अप्लाई करता है। तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप प्रीवियस लेक्चर्स देखो, जहां पे हमने एक स्फीयर की बात की थी, सॉलिड स्फीयर की बात की, एक थ्री कोऑर्डिनेट लिए थे, फिर ओपीओ यहाँ पे एक पी पॉइंट लेके ये वाला पोजिशन निकाला था, याद है, और हमने निकाला था IX = IY + IZ, तब भी मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, थियोरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थियोरम। अभी बस उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है वर्ड्स में, आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो सिमिलर वे जैसे मैंने पहले किया था। तो
सबसे पहले अगर मेरे पास ऐसा एक बॉडी है, अगर ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हम अगर आई जेड चाहिए तो आई एक्स प्लस आई वाई करके निकाल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो कैसा था, वापस मैं रिपीट करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस, ये इसके अबाउट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये दोनों एक्सिस के अबाउट आप लोगे तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बोलोगे ये दोनों का सम करोगे तो इसके अबाउट मिल जाए, अगर आपको इसके अबाउट चाहिए तो आप इन दोनों को सम कर दीजिए, इसके अबाउट चाहिए तो आप इन दोनों को सम कर दीजिए, तो इसको कहते हैं थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से इसका यूज देखते हैं वेरी क्विकली, जैसे कि पहले हमने एक सर्कुलर डिस्क लिया था, याद है, सर्कुलर डिस्क में ये ऐसा हमने रोटेट किया था ओमेगा। अभी व्हाट इफ मुझे यही सर्कुलर डिस्क में रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस चाहिए, रोटेशन अबाउट द डायमीटर चाहिए, ये डायमीटर पकड़ लीजिए, ठीक है, ये डायमीटर, तो अगर ये जेड है, ये एक्स और वाई है, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, मैं केस क्या ले रहा हूं, एक यूनिफॉर्म रिंग है, एक रिंग पकड़ लीजिए, एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे अबाउट द डायमीटर चाहिए, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस चाहिए, तो मुझे चाहिए आई एक्स क्या, मुझे अवेलेबल जो है, जो हमारे हमने पहले किया था वो अबाउट दिस एक्सिस है, तो आई जेड होगा और वो हमारे पास कितना था, एम आर स्क्वायर। अब अगर मेरे पास ये सेम चीज में यूज करता हूं तो क्या आएगा, अगर मुझे आई एक्स के अबाउट चाहिए तो सिंपल सा कोई भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग टू दैट बाकी सब चीजें चेंज हो जाएगी। अभी देखो ये रिंग है तो डायमीटर ये भी सेम है और ये भी सेम है, क्योंकि बेसिकली ये रिंग है ना, रिंग कैसा रहेगा, सर्कल, ये डायमीटर लो, ये डायमीटर लो, ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसके आई एक्स और आई वाई भी सेम है, तो दैट्स द रीजन आई एम व्हाट आई एम गोना राइट अबाउट इट इट इज टू आई एक्स। सो क्यों, क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, क्योंकि इसके अबाउट किसी के अबाउट लो, आप दोनों सेम ही रहोगे आई एक्स और आई वाई, तो आई एक्स क्या आना चाहिए, आई जेड बाई टू, और आई जेड हमारा क्या, एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई टू। इसी तरह से हम बाकी सारे केसेस में भी ये थियरम यूज कर सकते हैं, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल था। अब हम बात करते थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थियरम, बेसिकली थियरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पैरेलल एक्सिस, हम बात करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, बहुत आसान है ये वाला थ्योरम भी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है आप किसी भी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, तो एप्लीकेबल टू एनी बॉडी, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका, ठीक है। तो इसको मैं आपको, इसका मैं प्रूफ नहीं बताने वाला फिलहाल, मैं इसका एप्लीकेशन बताने वाला हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल बहुत करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर एक बॉडी ऐसा लिया गया, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा है, समझ लीजिए ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पोजिशन दिया गया है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना, विच इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, देखो ऐसे भी बना सकते हैं, ये एक्सिस क्या है, जेड डैश है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो देखो हमने किया कुछ नहीं, इसमें बस रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट किया है, ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट ऐसे था, अब उसको शिफ्ट करके इतना कर दिया, तो मुझे इस पोजिशन के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सारी बॉडीज का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी निकाला है, समझो ये डिस्टेंस ए है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, ये जेड, ये वाला आई
जेड प्लस आप देखो उसको कितना शिफ्ट किया गया एक्सिस को, एक्सिस को हमने कितना शिफ्ट किया यहां से यहां तक ए, तो उसका मास टोटल मास इंटू ये मास ऑफ द बॉडी ठीक है इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया आपका पैरेलल सिस्टम। मतलब आप क्या करने वाले हैं, आपको बस कुछ करना नहीं है, जैसे कि इसका एग्जांपल मैं तो बताता हूं, आप इसका एप्लीकेशन हम देखते हैं, एप्लीकेशन हम देखेंगे सिलेंडर के साथ, क्योंकि सिलेंडर के लिए सबसे आसानी से हम इसको बता सकते हैं। तो सिलेंडर के साथ हमारा ये ऐसा, तो हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस ठीक है ओमेगा, तो हम इसको पकड़ लेते हैं जेड। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड कितना आया था पहले फॉर सिलेंडर, हम देखेंगे फॉर सिलेंडर आई जेड कितना है, कितना ना एम आर स्क्वायर बाय टू ठीक है, ठीक है ना। अब ये आने के बाद अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए ठीक है, इसके अबाउट जेड डैश के अबाउट, ये जेड डैश है तो क्या आपको बस इतना देखना ये यहां से इतना कितना शिफ्ट हुआ, ये कितना शिफ्ट हुआ, ये जितना रेडियस है राइट आर जितना, तो आई जेड कितना आई जेड डैश क्या आना चाहिए, आई जेड प्लस ये वाला फॉर्मूला मास ऑफ द सिलेंडर इंटू कितना शिफ्ट हुआ है, यहां पे कितना शिफ्ट हुआ है आर जितना, तो आर स्क्वायर ए की जगह हमने लिया है आर, क्यों क्योंकि आर जितना शिफ्ट हुआ, एक्सिस कितना शिफ्ट हुआ वही देखना आपको, तो एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर, तो इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दिस एक्सिस मिल गया। तो उस तरह से आप ये तो थियोरम यूज करके कितने भी अलग अलग केसेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां पे अगर है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें, मैं आपको रिवर्ट करूंगा ठीक है। तो इसके बाद हम अलग अलग केसेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, आई एम श्योर कि ये सब केसेस देखने के बाद आप थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे निकाल सकते हैं ठीक है। एक हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके लिए, सो क्वेश्चन इज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट द टेंजेंट टू द स्फीयर ठीक है, अबाउट द टेंजेंट टू द स्फीयर फाइंड, मैं लिख देता हूं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट टू द स्फीयर गिवन दैट अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर इज गिवन बाय 2/5 एम आर स्क्वायर ठीक है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट, देखो सबसे पहले इसे अबाउट डायामीटर दिया गया है, मतलब एक स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर दिया गया है ठीक है, और इसने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, टेंजेंट आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे कहीं भी टेंजेंट हो, लेकिन याद रखना टेंजेंट जब भी ड्रॉ करो आपको डिस्टेंस चाहिए, इसीलिए टेंजेंट स्फीयर के ऐसे जगह पे करो ताकि आप डिस्टेंस प्रॉपरली निकाल पाओ, और सबसे बेस्ट होता है उसके पैरेलल ही एक बना दो, क्योंकि तब आ जाके हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अगर ये आई जेड है तो ये टेंजेंट क्या हो गया आई जेड डैश, जेड डैश तो सेम चीज जैसे हमने पहले की आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम स्फीयर का और ये रेडियस था आर एम आर स्क्वायर, तो ये बहुत आसान है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो क्या आएगा आंसर 7/5 एम आर स्क्वायर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन ठीक है। वॉट इफ आपको ये ना दिया गया डायमीटर के वॉट ये दिया ही ना, तब क्या करोगे, तब याद रखना हमारे पास स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वो कितना था हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, रिवाइज करिए थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर अबाउट द सेंटर, याद है हमने ऐसे सेंटर में डाल के ऐसे
ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर और डायमंड में बहुत डिफरेंस है, इमेजिनेशन आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने इसका निकाला था 3/5 mr², ठीक है। तो आपको इसका डायमीटर के अबाउट निकालना है सबसे पहले। तो डायमीटर के अब सिंपल सी चीज यूज कर सकते हो, दो कोऑर्डिनेट, सिंपल सा बात है, क्या है, थ्री कोऑर्डिनेट ix + iy + iz। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क कि पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाया। आपको आंसर पता है, आंसर इसका आना चाहिए 2/5। बहुत आसान है, ठीक है। आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो आपको तीन एक्सिस को इक्वल करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ix iz निकालोगे तो दोनों का, तीनों का सेम आएगा, तीन तीन कैंसिल होने। बहुत आसान सा है, प्लीज इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। थैंक यू।